Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you all type theories of personality. I have already discussed trait theory of personality of Gordon Allport. And this time, I am here to discuss with you type theories of personality. So, आपको ये पता होगा कि personality theories में type theory सबसे पुरानी है. तो चूंकि ये मैंने गूगल से लिया है ना, तो ये जैसे आ रहा है मैं उसको ऐसे ही ले सकती थी, पर ये प्रेजेंटेशन मुझे अच्छा लगा. मुझे लगा इससे आप एक बार में समझ जाएंगे, देन हैंस आई हैव यूज्ड दिस वन. तो पर्सनालिटी की अगर थेरीज की बात करें, पर्सनालिटी थेरीज होना चाहिए यहाँ पे, यहीं पे होना चाहिए था पर्सनैलिटी थेरीज. तो ये टाइप थेरी है, ट्रेट थेरी है, टाइप कम ट्रेट है, साइको एनालिसिस है और ह्यूमनिस्टिक है. ओके तो अच्छा, टाइप थेरीज में हमको पढ़ना होता है हिप्पोक्रेट्स, शेल्डन, रेशमर और जंग युंग को यहां भी पढ़ते हैं, युंग को यहां भी पढ़ते हैं. ट्रेट थ्योरी में ऑलपर्ट और कैटल, कैटल का 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो 16 पीएफ को होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, उसका प्रैक्टिकल भी किया जाता है, एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है. मतलब उसमें भी आप 16 पीएफ आपने पढ़ा होगा. फिलहाल ऑलपर्ट हम लोग पढ़ चुके हैं. कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट की इसमें बात की जाती है. टाइप कम ट्रेट में आइजेंग की एनपीई, एंड क्या है, न्यूरोटिसिज्म, साइकोटिसिज्म और एक्स्ट्रावर्जन, ये है एनपीई. साइको एनालिसिस में सिगमंड फ्रायड, जिस जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एल्फ्रेड एडलर और यूंग पे साइको एनालिसिस के संदर्भ में बात नहीं हुई है. और ह्यूमनिस्टिक में कार्ल रोजर्स की थ्योरी आती है, तो ह्यूमनिस्ट हमने हमने कार्ल रोजर्स की थ्योरी पढ़ी है. यस, तो यहाँ पे सॉरी, आज हमको टाइप थ्योरीज के बारे में जानना है. और ये यहाँ से समझ में आ रहा है कि सबसे पुरातन थ्योरीज पर्सनालिटी में जो है वो टाइप थ्योरीज है. तो टाइप क्या है, देखिए हम लोग जानते नहीं है, लेकिन टाइप को हम क्या समझते हैं, प्रकार के रूप में तो जानते ही है ना. तो हम क्या कहते हैं जनरली बातचीत की भाषा में, बोलचाल में, हम कह देते हैं कि इस टाइप का आदमी है, या तुम किस टाइप की हो, या उसका वो टाइप नहीं है. तो हम ये इस्तेमाल करते हैं, बट जनरली जानते नहीं कि क्या हम टाइप के बारे में कहना चाह रहे हैं पर्सनैलिटी में. तो पर्सनैलिटी टाइप रिफरेंसेस अ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेट्स दैट मेक अप ए टिपिकल पर्सोना दैट वेरियस पीपल कैन शेयर. कहने का मतलब कि ये जो टाइप है, ये गुणों का एक वर्गीकरण है जो आपकी टिपिकल पर्सनैलिटी को बताता है, और कई लोग इसको शेयर कर सकते हैं. द पर्सनैलिटी टाइप डेफिनेशन एनकंपासेस अ कलेक्शन ऑफ ट्रेट्स that construct a particular set of behaviors or ways of thinking and typically rely on a binary or a spectrum to showcase each trait's degrees that make up the overarching type. ये कह रहे हैं कि personality type को अगर हमें परिभाषित करना हो तो हमें बताना होगा कि वो traits का collection है जो कि एक पर्टिकुलर सेट हमारा बनाता है, किसका, व्यवहार का, सोचने का, और जनरली बाइनरी होता है, जैसे एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, या तो हम एक्सट्रोवर्ट होंगे या इंट्रोवर्ट होंगे ना, बाइनरी और स्पेक्ट्रम, द्विध्रुवीय है ना. तो ईच ट्रेट की डिग्री वो हमको तय करके बताता है कि हम किस बाइनरी पर हैं. मॉर्गन एंड किंग ने डिफाइन करते हुए बताया कि अ टाइप इज सिंपली अ क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स सेड टू शेयर अ कॉमन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. वो कह रहे हैं कि टाइप वर्गीकरण है लोगों का, जिसमें कि वो एक कॉमन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब समान गुणों को शेयर करते हैं. अ टिपिकल एग्जाम्पल इज द बाइनरी ऑफ द इंट्रोवर्ट एंड द एक्सट्रोवर्ट. सबसे कॉमन आपको बाइनरी यही मिलेगी, एक अंतर्मुखी तरीके के लोग होते हैं, बहिर्मुखी तरीके के लोग होते हैं. तो इंट्रोवर्ट कौन होता है, एन इंट्रोवर्ट इज अ पर्सन क्लासिफाइड एज फोकस्ड ऑन देयर इनर मेंटल वर्ल्ड. मतलब कहते हैं ना, अपने में खोए खोए रहना, एंड डज नॉट नेसेसरली लाइक टू पार्टेक इन एक्सटर्नल एक्टिविटीज विद अदर्स. और वो दूसरों के साथ मिंगल होने में, पार्टीज करने में, इन पे कम भरोसा है उनका, वो ऐसा कम करते हैं. और एक्सट्रोवर्ट कौन है, हु एंजॉयज बीइंग अराउंड अदर पीपल. वो जिसको अकेलापन से बिल्कुल घबराहट होती है, उसको हमेशा दूसरे लोगों के साथ रहना है, वो आउटगोइंग है, वो सोशिएबल है, उसको लार्ज गैदरिंग्स पसंद है, और वो दूसरों से बातचीत करना पसंद करता है. तो ये बाइनरी है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट. तो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग, एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग. तो टाइप क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है. फिर अगर टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी की बात करें तो यही चार हम आपसे बात करेंगे, हिप्पोक्रेट्स, रेशमर, शेल्डन और यूंग. जंग कहिए आप, यूंग कहिए आप, जो कहिए. अब हिप्पोक्रेट्स देखिए एकदम पुरानी तरीके का, एकदम पुराना,
बहुत पुराना है ना, तो ये अब चलता नहीं है, लेकिन आपको इसके इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना है कि उस वक्त भी 100, 150, 200 साल पहले, जितने पहले का ये क्लासिफिकेशन है, लोग बात कर रहे थे कि पर्सनैलिटी के भी टाइप्स हो सकते हैं, और उन्होंने उस वक्त का जितना ज्ञान था उसके पास से, उस हिसाब से बहुत एडवांस थे उन्होंने, किसी ने ब्लड के टाइप के हिसाब से बताया, किसी ने बॉडी के हिसाब से बताया, हमारा भी जो इंडिविजुअल सॉरी इंडियन पर्सनैलिटी का कंसेप्ट चलता है वात पित्त कफ वाला, वो भी टाइप थ्योरी है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, तो ये सब, तो आपको इसको याद करना होगा। तो टाइप थ्योरी में सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिप्पोक्रेट से। ए नंबर ऑफ थिंकर्स हैव गिवन देयर टाइपोलॉजिकल मॉडल्स टू एक्सप्लेन पर्सनालिटी, सम ऑफ विच इंक्लूड हिप्पोक्रेट, रेशमर, शेल्डन, यो। ठीक, हिप्पोक्रेट ने क्या कहा, 400 BC ईसा पूर्व की बात चल रही है, तो बहुत ही पुराना है। हिप्पोक्रेट्स अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ बॉडी फ्लूइड और ह्यूमर्स। इन्होंने कहा कि मनुष्य के शरीर में जो बॉडी का फ्लूइड है, जिसको इन्होंने ह्यूमर का नाम दिया, उसके हिसाब से इन्होंने पर्सनालिटी को बांटा है। इन्होंने कहा कि हमारी बॉडी में चार तरीके के फ्लूइड होते हैं, येलो बाइल होता है, ब्लैक बाइल होता है, ब्लड होता है, एंड फेलगम होता है। फॉर आइडियल हेल्थ, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य, पर्सनैलिटी सब सही रहे, तो ये चारों फ्लूइड जो है वो परफेक्ट बैलेंस में होना चाहिए। वेन दिस बैलेंस इज लॉस्ट इट लीड्स टू सिकनेस, और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो हम बीमार हो जाते हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी। एवरी पर्सन इज कैरेक्टराइज बाई द प्रोमिनेंस ऑफ वन टाइप ऑफ फ्लूइड, और वो कह रहे हैं कि हम लोगों में से चार प्रकार के लोग हैं जिनमें जिस तरीके के फ्लूइड की प्रधानता है उसकी पर्सनैलिटी उस तरीके की होती है। Every person is characterized by the prominence of one type of fluid, which determines the temperament of the person concerned. Thus, he classified people into four types, which are given below. तो चार फ्लूइड के हिसाब से इन्होंने चार प्रकार के लोग बताए। कैसे लोग बताए? ये बताए। इन्होंने कहा या तो आप कोलेरिक होंगे, या मेलेनकॉलिक होंगे, या सेंग्विन होंगे, या फ्लेगमेटिक होंगे। देखिए, इनके हिंदी नाम पर मत जाइए, ये इंग्लिश में ही, मतलब हिंदी में फिर ये और बोलने लायक नहीं रहते, मतलब प्रोनंसिएशन में दिक्कत करता है। तो कोलेरिक क्या है? वो लोग जिनमें येलो बाइल की प्रधानता है, तो वो कैसे होंगे? वो इरिटेबल होंगे, जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, रेस्टलेस हैं और हॉट ब्लडेड हैं। ओके, मेलेनकॉलिक कौन है? पीपल विद हाई ब्लैक बाइल, जिसमें ब्लैक बाइल ज्यादा है, वो मेलेनकॉलिक कहलाएगा, और वो कैसा होगा? वो सैड रहेगा, डिप्रेस्ड रहता होगा, और डिवॉइड ऑफ होप, एकदम निराशावादी। सैंग्विन कौन है? व्हेन ब्लड कंटेंट इज हाई, जब खून दौड़ रहा है आपके शरीर में ज्यादा, तो क्या है? आप चीयरफुल रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, और आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे लाइफ में। और फ्लेगमेटिक कब होगा? प्रीडोमिनेंस ऑफ फ्लेगम जब होगा, फ्लेगम जब होगा आपके शरीर में ज्यादा, तो अब आप फ्लेगमेटिक कहलाएंगे, और ये आपको काम बनाएगा, क्वाइट बनाएगा, और आप इनएक्टिवनेस हो गया आपकी बिहेवियर में। तो ये देखिए, 1798 आफ्टर हिप्पोक्रेट्स एंड गैलन, कांत ने ये क्लासिकल फोर फोल्ड टाइपोलॉजी दी है। तो याद रखिए, कोलेरिक येलो बाइल की प्रधानता, मेलेनकोलिक ब्लैक बाइल की प्रधानता, सैंग्विन ब्लड की प्रधानता, फ्लेगमेटिक फ्लेगम की प्रधानता, और सबके कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद करना है आपको। फिर रेशमर साहब आए, ये क्या कह रहे हैं? अर्नेस्ट रेशमर ये जर्मन साइकियाट्रिस्ट थे, इन हिज बेस्ट नोन वर्क फिजिक एंड कैरेक्टर, इन्होंने फिजिक के हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी बताई। इन्होंने कहा कि बॉडी का बिल्ड जो है और जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संबंध है, वो वही हमारा टेम्परामेंट, मेंटल इलनेस डिफाइन करता है। और इन्होंने तीन प्रकार शुरुआत में बताए थे, पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक, और बाद में इन्होंने एक डिस्प्लास्टिक जोड़ा, या इनके आप कह सकते हैं समर्थकों ने, फॉलोअर्स ने। तो पिकनिक कौन सा टाइप है? वो कह रहा है वो व्यक्ति जो शॉर्ट है, खुश रहता है, और सब्जेक्ट टू मूड स्विंग्स, जिसका मूड बदलता रहता है, वो पिकनिक टाइप है। एस्थेनिक कौन है? जो फ्रेल है, थोड़ा कमजोर है, लाइकली टू बी इंट्रोवर्सिव है और सेंसिटिव है। एथलेटिक टाइप एनर्जेटिक है, एग्रेसिव है। और डिस्प्लास्टिक जो डिसप्रोपोर्शनेट है, उसकी बॉडी डिसप्रोपोर्शनड है, और ये इन तीनों का मिक्सचर हो सकता है, इसीलिए ये क्रम बाद में जोड़ा गया है। तो भाई हुआ कि जो पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक कोई भी नहीं है, वो डिस्प्लास्टिक है और सबका मिक्सचर है। तो पिकनिक शॉर्ट है, एस्थेनिक कमजोर है, एथलेटिक एनर्जेटिक है, इन अकॉर्डेंस टू रेशमर। रेशमर का क्लासिफिकेशन क्या है कि पिकनिक है फैट टाइप्स, इन हुम फैट इज मोर देन मसल, या मांसपेशी से ज्यादा फैट है आपके शरीर में, आप सोशल रहते हैं। एथलेटिक जो है वो हेल्दी है, बैलेंस है, मतलब मसल्स और बोन डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस है, एनर्जेटिक रहता है। और जो एस्थेनिक है वो थिन है, लीन है, टॉल है, नो मसल है, ओनली बोन है, और ये अनसोशियबल रहता है। ओके, अब आता है शेल्डन की थ्योरी। शेल्डन ने किसके हिसाब से बताया? शेल्डन, ओह ये शेल्डन का एस कैपिटल होना चाहिए था, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने कहा कि वैरायटी ऑफ ह्यूमन बॉडीज एंड टेम्परामेंट में इन्होंने कोरिलेशन ढूंढना, और
रेशमर के ही मतलब क्लासिफिकेशन पे बेस्ड इनका क्लासिफिकेशन है. इन्होंने कहा देयर वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री डिफरेंट फिजिकल टाइप्स एंड सर्टेन फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. तो जो तीन टाइप उन्होंने बताए थे उसी को क्रम में रख के बस इन्होंने नाम उसके बदले हैं. और ये कह रहे हैं सोमेटो टाइप के हिसाब से इन्होंने सर्टेन पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक को बताया. कौन कौन से बताए, ये नाम दे रहे हैं एंडोमार्फ, मीजोमार्फ, एक्टोमार्फ. जो एंडोमार्फ है शेल्डन का वो रिलैक्स्ड रहता है, प्लम्प है, डेवलप्ड विसरल स्ट्रक्चर, ऐसे थोड़ा सा हेल्दी सा, ऐसे प्लम्पी सा दिखता है. मीजोमार्फ कौन है, जो एक्टिव है, असर्टिव है, विगरस है, कॉम्बेटिव है, और ये मस्कुलर व्यक्ति है. ये हो गया. और एक्टोमार्फ जो कि एस्थेनिक बता रहे थे रेशमर, वो क्वाइट है, फ्रेजाइल है, रिस्ट्रेन रहता है, नॉन असर्टिव है, सेंसिटिव है, ये लीन डेलिकेट है, पुअर मसल्स है इसकी, ये इसका चित्र है. तो चित्र मतलब बॉडी की फिजिक के हिसाब से इन्होंने बॉडी बिल्डअप के हिसाब से अपनी पर्सनालिटी टाइप्स बताई. अब इसमें आप रेशमर और शेल्डन का कंपैरिजन देख सकते हैं. जो एस्थेनिक रेशमर का है वही शेल्डन का एक्टोमार्फ है, ये लीन स्लिम शैलो होते हैं. जो एथलेटिक इनका है वो इनका मीजोमार्फ है, यहाँ व्यक्ति मस्कुलर रहता है. जो इनका पिकनिक है वो इनका एंडोमार्फ है, यहाँ ब्रॉड होता है व्यक्ति. और डिसप्लास्टिक जो रेशमर ने बताया उसके लिए शेल्डन ने कोई बॉडी टाइप नहीं बताया, और इसको ये बोल रहे हैं एबनॉर्मल बॉडीज है या कुछ एबनॉर्मल, कुछ डिसप्रोपोर्शनेट इनका बिल्डअप है. और लास्ट में यंग की टाइपोलॉजी आती है. इनका एंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट चलता है. बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, लोग इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट ही नहीं होते, कुछ एम्बीवर्ट भी होते, मतलब हम कभी तो इंट्रोवर्ट है कभी एक्सट्रोवर्ट है ना, टोटली इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट नहीं, तो वो बाद में जोड़ा गया. लेकिन यहाँ पे आप इसको कॉन्शियसनेस के संबंध में देखिए, क्योंकि कभी कभी सवाल पूछा जाएगा कि कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट किससे संबंधित है, उसमें जंग का भी नाम होगा, लेकिन हम तो यंग को सिर्फ इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के रूप में जानते होंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि यंग का ही कॉन्शियसनेस पर भी काम है. तो 1913 में ये पब्लिश करते हैं कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल टाइप्स व्हिच कंसोलिडेटेड इट्स सेपरेशन फ्रॉम फ्रायड एंड प्रेजेंटेड हिज फर्स्ट आइडियाज ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस. ये बात ध्यान देने की है कि फ्रायड जो है वो अनकॉन्शियसनेस पर बात कर रहे थे और यंग जो है वो कॉन्शियसनेस पे बात कर रहे हैं. इन दिस पेपर जंग आर्ग्यूड दैट देयर वर टू कॉन्ट्रेरी मूवमेंट्स ऑफ द लिबिडो. देखिए लिबिडो का टर्म आपका साइको एनालिसिस से आया है. एक्सट्रावर्जन विद इंटरेस्ट गिवन टू द आउटर वर्ल्ड एंड इंट्रोवर्जन इम्प्लाइंग ए डी वैल्यूएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वर्ल्ड. यानी हमको ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में कोई वैल्यू नहीं देते, हम इंट्रोवर्ट है. तो यूंग ने कहा कॉन्शियसनेस इज ए सेल्फ रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंटेड एट बर्थ, हमारे को बर्थ के समय ही मिलता है, सेंटर्ड इन एन ईगो दैट एक्सप्रेस्ड एबिलिटी टू ओरिएंट द साइकी थ्रू डिफरेंट एटीट्यूड्स एंड फंक्शंस. और खास बात जो इन्होंने बताई, इन्होंने कहा चार फंक्शंस होते हैं. कौन कौन से चार होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, इंट्यूशन एंड सेंसेशन. और इन्होंने कहा इसमें से कुछ रैशनल है और कुछ इरेशनल है. जैसे कि आपका कॉन्शियसनेस वॉज सीन बाय यंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल प्रोसेसेस ऑफ इनकाउंटरिंग एंड असेसिंग रियलिटी. जिसमें से सेंसेशन और इंट्यूशन जो है वो इरेशनल है, अतार्किक है, और आपका जो थिंकिंग और फीलिंग है वो रैशनल है. तो इन्होंने सबको दो में बांट दिया है, मतलब इनके हिसाब से आठ तरीके की पर्सनालिटी टाइप के लोग हैं. कैसे बांट रहे हैं ये, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कर रहे हैं, सबको किसमें कह रहे हैं, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन, इंट्यूशन. तो थिंकिंग के दो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, फीलिंग के दो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, इस तरह से चार के आठ पर्सनैलिटी टाइप इन्होंने बताए हैं. ये रहे, आप पढ़ लीजिए, एक्सट्रावर्टेड सेंसिंग, इंट्रोवर्टेड सेंसिंग. एक्सट्रावर्टेड मतलब सेंसिंग के दो, इंट्यूशन के दो, थिंकिंग के दो, फीलिंग के दो, आठ हो गए. इनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लीजिए किस तरीके के लोग हैं. एक्सट्रावर्जन है, इंट्रोवर्जन है, मतलब आप किस तरह से अपनी एनर्जी को फोकस करते हैं. सेंसिंग है, इंट्यूशन है, आप गैदर और ट्रस्ट इंफॉर्मेशन करने में किस पे बल देते हैं, सेंस पे या इंट्यूशन पे. थिंकिंग और फीलिंग में आप डिसीजन कैसे लेते हैं, थिंकिंग के हिसाब से लेते हैं कि फीलिंग आपको महसूस हो रहा है इसलिए लेते हैं कि सोच रहे हैं ऐसा इसलिए लेते हैं. जज कैसे करते हैं आप, या जज करते हैं या परसीव करते हैं, कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं अपने अपने आप को, ये इनकी टाइपोलॉजी है. यानी कि लोग दो प्रकार के, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, और काम कैसे करेंगे, चार उनके उन्होंने फंक्शंस बताए, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन, इंट्यूशन, जिसमें से सेंसेशन और इंट्यूशन आपका जो है इरेशनल है और थिंकिंग और फीलिंग आपका रेशनल है. अब आप इसका इवेल्युएशन कर लीजिए, अगर मूल्यांकन करें टाइप थेरीज का, तो ये फर्स्ट एंड फोरमोस्ट जो आपकी एजम्पशन है अंडरलाइंग द टाइप थ्योरीज इज दैट ऑल पर्संस कैन बी कैटेगराइज्ड, सॉरी, ऑल पर्संस कैन बी कैटेगराइज्ड इन वन और अदर टाइप.
सभी व्यक्तियों को एक या दो अलग प्रकार के टाइप्स में बांटा जा सकता है। कभी आदमी इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, कभी एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन इसके संग दिक्कत ये है कि कभी कभी लोग दोनों तरीके के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। अनदर अजम्पशन इसका ये है कि इंट्रोवर्ट को हमने माना कि इमोशनली सेंसिटिव है, बट इन एक्चुअलिटी ही मे नॉट एग्जिबिट इमोशनल सेंसिटिविटी। हो सकता है इंट्रोवर्ट तो हो पर इमोशनली सेंसिटिव ना हो। मतलब ये क्लासिफिकेशन सटीक नहीं है, लेकिन चूंकि ये इतने पुराने हैं और उस वक्त के हिसाब से आप इनकी स्पेसिफिसिटी समझिए। तो उसी तरह से जैसे टाइप थ्योरीज उन्होंने कहा कि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बताया उन्होंने, लेकिन फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में और भी फैक्टर्स तो आते हैं, जैसे सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, उनकी बात नहीं की गई। तो इस तरह से ये आज नहीं चलती है, आज प्रचलन में नहीं है, लेकिन ये सबसे पुरानी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और उस वक्त इस तरीके की बातें की जा रही थी, जो अभी भी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट तो लोग अभी भी होते हैं, मतलब उस तरह से भी आप बांट सकते हैं पर्सनैलिटी को, तो इसलिए अभी भी सार्थक है, पढ़ी पढ़ाई जाती है। ओके, तो ये आपकी टाइप थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी याद करने के लिए थोड़ा सा है, लेकिन क्योंकि हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, ट्रेट थ्योरी पर ज्यादा फोकस करते हैं, सिगमंड फ्रायड ज्यादा पढ़ेंगे और सवाल अगर टाइप थ्योरी से आ गया तो लगेगा कि ये पढ़ लिए होते तो हो जाता, तो उसके लिए दिस इज टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।